अब कोई जाता थोड़ी ना, ये संस्कार कहाँ ले जाएंगे। अब बचपन से ही देशभक्ति का वो मिल जाएगा, वहां पैदा ही होगा जाकर, जहां से शुरू हो जाएगी आगे, फिर मुक्ति का रास्ता आ जाएगा, फिर इस दर भजन की तरफ आगे, सब कुछ करके फिर आखिरी ये क्लास है। ये जो देशभक्ति में सब हम लोग करके आए हैं तभी इस क्लास में आ पाए, नहीं तो आते नहीं, तभी त्याग बैराग का इतना होता है, नहीं तो ऐसे घर छोड़ना बिल्कुल नहीं हो पाता, कभी नहीं हो पाता। देश के लिए घर परिवार पीछे किए होगा तो इस जन्म में उससे आगे का होगा। सबसे ऊंची विद्या आखिरी, यहाँ से फिर ना आना ना जाना, समाना ही समाना, हर अच्छे हर एक में समा जाता है, प्रकट वहाँ है जहाँ भक्ति भाव, वहाँ प्रकट है, नहीं तो छिपा तो है। सब प्राणियों के हृदय में समाया वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, सभी के प्राणियों में समाया पड़ा, सभी में अपना आप है, सभी में आत्मा है, परमात्मा कहाँ नहीं, कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है, तू व्यापक डाली डाली है, कोई जगह न तुझसे खाली है, तो व्यापक डाली डाली है, तो व्यापक डाली डाली है, तेरी अद्भुत भगवन माया है, क्या तूने जगत बनाया है, तेरी अद्भुत भगवन माया है, क्या तूने जगत बनाया है, तेरी सब पर भगवन छाया है, जो जग भाग तेरा तू माली है, जग भाग तेरा तू माली है, कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है, तो व्यापक डाली डाली है, सब पंछी तुझको ध्याए रहे और तेरी महिमा गाए रहे, सब पंछी तुझको ध्याए रहे और तेरी महिमा गाए रहे, तेरे चरणों में चितलाए रहे, प्रभु तो सबका रखवाली है, प्रभु तू सबका रखवाली है, कोई जगह न तुझसे खाली है, तो व्यापक डाली डाली है, तो व्यापक डाली डाली है, प्रभु तू सब जग का भरता है और सबका पालन करता है, प्रभु तू सब जग का धरता है और सबका पालन करता है, क्या राजा।
तेरे दरबार सवाली है, कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है, तू व्यापक डाली डाली है, जगह न तुझसे खाली है, तो व्यापक डाली डाली है, तो व्यापक डाली डाली है, हो गए हो गए। अनुभव से जो है सब में सारी जगह वही है, शरीर छूट के कोई कहीं नहीं जाता है, जो वासना में है इच्छा लेके जाता है, संसार में इच्छा बाकी है, उसको शरीर जाके गर्भ में लेना पड़ता है, जिसे इच्छा खत्म हो गई वह सब में, ये व्यापक अपने को ऐसा मान लिए सब में मैं हूँ ऐसा ज्ञान का बोध हो गया, वो शरीर छोड़ के पहले से सबके हृदय में समाया पड़ा, व्यापक हो जाता, कण कण में उसका वास हो जाता, ना कहीं जाता ना आता, इस संसार से अलावा कुछ है ही नहीं, ना कोई जाता है ना कोई आता है, इसे ब्रह्मांड वही है, व्यापक है। उसी दिन अनुभव किया, उसी दिन वो वैज्ञानिक कहता है ये संसार इतना संसार ही है, बस यही है और कुछ नहीं, कहीं कोई न जाता है ना आता, विज्ञान बताता तो है, मेरा विज्ञान अंदर से करके बताता है, मैं सब में समाया पड़ा, कभी न जाने आने वाला, मैं चली जाती हूँ व्यापक हो जाता है, देख के मैं छूटते या व्यापक हो जाते सब में समाये पड़े, छोटी सी बूंद के मिटते से समुद्र है, पानी 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 पानी, नाम रूप का अस्तित्व मिट जाए तो परमात्मा सब में आत्मा आत्मा पर में परमात्मा कह दिए जाते, आत्मा परमात्मा दूर हो गया था इसलिए सारा गड़बड़ था, शांति दुख कष्ट क्लेश चाहनाएं, जब एक हो गया तो खत्म सब, अब क्या होना चाहिए, किसके जैसा होना चाहोगे, सब तुम्हें हो, ये भी तुम्हें वो भी तुम्हें वो भी तुम्हें वो भी तुम्हें, किसके जैसा हो छटपटाहट करोगे, जो नहीं हो रहा है तो मैं बिलबिला रहा हूँ, सब तुम्हें हो, ये भी तुम्हें वो 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 भी तुम्हें सब तुम मैं तू तू भगवान को कहा जाएगा तू ही तू तू ही तू तू ही तू तू ही सब में तू ही तू ही मेरे में तेरे में सब में अडग में कम में, चाहे आत्मा करके कहो तो सब में मैं ही मैं हूँ, एक ही है, एक सत्ता, एक सत्ता इस सारे को हलचल हलचल इसमें जो है वो उसकी ताकत चेतना, शरीर तो पड़ा होता उसमें हलचल ही नहीं, पंखा लगा है हिल भी नहीं रहा, करंट रख दबा दो चलने लगा, हमारी गर्मी हर ली, हम इससे डरने लगे इसमें हाथ न लगाओ, बंद हो जाए करंट का संयोग इसका खत्म हो जाए तो मुर्दा मुर्दा हो जाएगा, इससे डर लगेगा, इसको हमने बनाया, माया भी बुद्धि से ही बना, जरा इतना भी हिले नहीं हिल सकता, अपने आप में इसमें शक्ति नहीं, कभी कभी करना फिर भी पंखा ऐसा हिलता दिखाई दे तो प्राकृतिक हवा है, उसका अपना कुछ हिल नहीं सकता, ऐसे ये शरीर हिल नहीं सकता,
इसमें आत्मा की शक्ति करंट है जो चलाता, हिलाता डुलाता। पांचों तत्व का शरीर, आँख कान नाक मुंह सब है, कौन से इंद्रिय काम करती बताओ? उसी को तो मुर्दा कर देते, काम लायक नहीं रहा, फिर सड़ जाएगा। इसलिए चाहे कौओं को खिला दो, चाहे नदी में बहा दो, चाहे आग से जला दो, प्रदूषण न फैला, नहीं तो इसी शरीर से प्रदूषण है। जब तक वो है तब से इससे कितना बड़ा काम है, वो नहीं तो ये प्रदूषण फैलाता। तो क्या अभिमान करे इस देह का, अभी रहते हुए भी अभिमान देह का नहीं करो, उस शक्ति का करो। मान अभिमान नहीं, मान उस शक्ति का मान। सब में है इसलिए सबका मान। ये तो मंदिरों के द्वारा मिलके खेल चल रहा है, सबका स्वांग है, स्वांग को सच माना। बन गया देह में दीवाना, ड्रामे में स्वांग था, सच मान लिया तो देह में दीवाना हो गया, भूल गया घर बार। बदलने वाले परिवर्तनशील शरीर को मैं मान के स्थाई रखना चाहता, ये स्थाई हो नहीं सकता। परिवर्तन से डरो नहीं, उससे भी बड़े किसी ने, ऐसे जवाहरलाल नेहरू का हुआ था निधन, तो किसी ने कहा था धरती से अब, धरती में अब कोई ऐसा नहीं, तब किसी ने बोला था धरती में तो एक से एक पैदा होंगे, कोख खाली नहीं हुई, बोला वो गया है, कोख भारत माता की खाली नहीं हुई, फिर बच्चे पैदा होंगे काम करेंगे। उनको सब बातें याद है, बड़े गौर से सुनते थे। जब नेहरू जी का हुआ था तब किसी ने ऐसा खत दर्शाया था, भारत तक गोद सोनी हुई है, कोख सोनी नहीं, कोख से अभी भी जन्म सकते हैं, एक से एक बड़े जन्म से, गोद सोनी हुई कोख सोनी नहीं। ये सब बातें हम बहुत, हमें इन बातों में मजा आता था, कुर्बानी में। बचपन की किताबों में ऐसे लिखा था ना, ऐसे ऐसे संस्कार होते हैं, ऐसे कैसे कहे, हमें भी तो ऐसा उल्लास होता है, हम भी तो ऐसा चाहते हैं, हम क्यों नहीं। अब हमारे गुरु जी ने तो वैसे संस्कार दिखाई देते थे, तो हमारे में हमें भी तो ऐसा ही है। आप अपने से ज्यादा जरूरत, कोई जरूरतमंद आ जाए उसका काम करना चाहिए, देख लो। बड़ा अच्छा लगा, करके अच्छा लगता है जब हमें मिल जाता प्रमाण, सही हुआ या गलत। तुरंत हमें प्रमाण मिल जाता है, गलत का भी सही, सही कर देता है। सही तुम बिन ना शिव जी और कोई करने वाला है। देवताओं ने शरीर प्राप्त किया था तो क्या हुआ, स्वर्ग की इच्छा रखता है, स्वर्ग के मतलब स्वर्ग पालें, स्वर्ग पालें, मतलब ये सामान स्वर्ग के मन या तन में, वो पाने की इच्छा किया, वहां तक पहुंच गए।
अब वो तरस रहे हैं, कह रहे भैया मानुष तन मिलता तो हम अपना उद्धार करें, यहाँ भी तो वही डर भय चिंता फिक्र है, स्वर्ग न छिन जाए, असुर ना आ जाए, हमें वो कर लें ये न कर, अच्छी बात है लेकिन उससे आगे जाना था, और मनुष्य तन मिले तब, नहीं तो इच्छे वो पूरे हो रहे हैं, सुख भोग के समय खत्म हो रहे हैं, फिर से 84 का चक्कर लगेगा, 84 काटना पड़ेगा। स्वर्ग में ना कोई बीमार होता है, ना कोई बूढ़ा होता है, ना कोई कुछ नहीं होता, ना कोई दोष है, खूब शराब पियो औरतें नचाओ, उर्वशी उर्वशी इंद्र नचाया करता है ना, सब कुछ करो, उसे कोई दोष नहीं, बस ये पुण्य छीड़ हो रहा है, पुण्य छीड़ हो रहा है, पुण्य छीड़ हो रहा है, रिद्धि सिद्धि भी पुण्य छीड़ करती हैं, वो पुण्य पाप जानता नहीं, वो तो ऊपर उड़ जाता है, पाप पुण्य कुछ है ही नहीं, पुण्य का पाप क्या, पुण्य पाप है दूसरा मानना, द्वैत मानोगे पुण्य पाप होने लगेगा, द्वैत हटा दो, अपना आप से आप चाहे जो करिए, चाहे अच्छा करिए, अपने सच्चा बुरा करिए, दूसरी तरफ आप ही आप है, चारों तरफ आप ही है, शीशे में के आगे खड़े हैं, शीशा लगा है, शीशे के बीच में आप खड़े हैं, चारों तरफ अपना रूप देख रहे हैं, लगता है दूसरा 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 दूसरा, किस किस दूसरे से दुख पाओगे, द्वैत ही हटा दो, अपना ही अज्ञान है, सिर्फ इधर भी मैं इधर भी मैं इधर भी मैं परछाइयां आप ही आप, माया की सोच में घूमा करते, निकल नहीं सकते, माया को जब माया समझो तब पार हो, झूठी माया में मन ललचा कर असल वतन क्यों छोड़ दिया, ये छूटी है, हाथ आ गई तो कुछ नहीं है, हाथ ना आई तब तक बड़ा है, इसमें बड़ा है, कोई पद नहीं मिला है तब तक बड़ा भारी पद है, जब मिल जाएगा तो काम 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 काम, थक जाए करना नहीं, ऐसा नहीं करना है, ये करके उसको करते हुए भी इसमें कुछ पाना नहीं, कर्तव्य कर्म करके अपने को संतुष्ट, पाने को कुछ नहीं, नाम भी ना मिलेगा, कुछ नाम देंगे तो कुछ बदनाम भी करेंगे, दोनों में समता में रह के अपने ऊपर आगे चलते लो, बस पाना है अपने मकसद को इसी जीवन में पाना, मैं से कभी तृप्ति नहीं, बहुत और की चाह पैदा, जितनी बढ़ती जाएगी उतनी चाह पैदा, उतना काम बढ़ता जाएगा, उतने उलझते जाओ, छुटकारा थोड़ी मिलता, छुटकारा तो यही नियम दिला सकता है, इस राह में आने पर माया का काम भी होगा, अंदर से विरक्ति होती जाएगी, ये सब देख के विरक्ति होगी, राग द्वेष नहीं होगा, विरक्त होगा, भगवान में मैं अनुरक्ति, माया से विरक्ति, क्या है भोग, भोग में योग, भोग से योग की तरफ भोग, एक भोग में योग, संसार के भोगों में रोग है, परमात्मा से योग है, उसका वचन मान के अपनी बुद्धि की चतुराई से बच जाए से कहूँ, वो रक्षा करता रहता है, कितनी रक्षा करता है, रात दिन वो रक्षा ही में लगा रहता है, वृत्ति की संभाल करता है, चेक केयर करता है, छूट भी देता है, चेक भी करता है, खूब छूट देगा, चेक करेगा, संसार में से काम करना है, सब जगह मिलेगी यही माया, कहाँ नहीं होगा, उसे कैसे बचोगे, अगर उसके वचनों पर ध्यान ना दिया तो, उसके सामने ना किया तो बाहर नहीं कर सकते,
राजा था, उसने कहा जिसकी बकरी जो है सब लोग अपने अपने बकरी को लाओ, जिसकी बकरी चारा डाले और खाने को न जाएगी उसको इनाम दिया जाएगा। सब लोग अपनी बकरी को खूब खिलाए, खूब खिलाए, खूब खिलाए, इतना बाढ़ दो कि ये वहां जाके न खाए, इतना खिलाए। सब ले जाए, इतना खिला के ले जाए, जैसे चारा डाला जाए फिर वो बकरी खाने लगे, फिर उसकी तरफ मुंह कर। एक एक बहुत है, सब सब एक ने क्या किया, एक की बकरी के सामने मुंह रखा गया चारा, वो खाए ना तो राजा ने उसे इनाम दिया। तब राजा ने पूछा तुमने क्या किया, जानता था राजा की क्या किया होगा। उसने कहा कि हमारी हम सबसे पूछा, बोले हम अपनी बकरी को इतना खिलाते थे कि यहाँ जाके न खाए, और बोले हम अपनी बकरी को जब खाना रखते थे तो मारते थे, खाना रखे और मारे, जब बकरी खाना खाने लगे तो खूब मारे, ऐसे कई दिन तक करता रहा। तो बकरी मार खा खा के परेशान हो गई थी तो डर के मारे, फिर उसको वहां भी रखा गया राजा के सामने खाना रखा गया, डर के मारे ना खा के मार पड़े। उसे इनाम मिल गया, दे के तृप्ति किया जाता है, मार मार के तृप्ति, सामने है और ना खाओ, मार मार के तृप्ति, सामने हो मन ना जाए। इतने डर के मारे न जाए, ज्ञान साथ में हो तो उपराम हो जाएगा। ऐसे मन ऐसा ही है, बकरी की तरह आसक्तियां बकरी की तरह, कितना भी मिल जाए और ज्यादा बढ़ते, ना मिले मार पड़ती। देखो ना जो अपना बनाया हुआ इच्छा मार पड़ी, मार जैसी होती डंडे की चोट, तो अपना बनाया था भगवान की चीज को भगवान लेगा तो डंडे की जैसी चोट पड़ेगी, क्यों अपने बनाया, भगवान का करके बरतते, ले जाए तो ले जाए, है तो बरत लो, सदुपयोग करो, अच्छा रखो, चला जाए तो चले जाए, मेरा था ही नहीं, मेरे काम के लिए मिला था ये शरीर भी, काम के लिए मिला है, जब तक शरीर है काम करना है, जब चाहो ले जाओ, शरीर से क्या करना, क्या चाहना है, काम हो गया, चाहना तब हो गया, जो पाना था पा लिया, जो जानना था जान लिया, जो करना था कर लिया, और न करना बाकी न पाना बाकी न क्या, कुछ नहीं बाकी, जितने दिन रखो रखो ले जाओ, काम है जितने दिन रखोगे काम ही है बस। काम पूरा हो गया, अब क्या मतलब, जिस शरीर को लेके काम करने आए थे, जो काम करने आए थे पूरा हो गया, पा लिया जिसे पाना था, जान लिया जिसे जानना था, कर लिया जो करना था, कुछ बाकी नहीं, अब तो बस समय पास है, जहाँ रखो चाहे जहाँ रखो चाहे जो कुछ करो, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे
वही जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम्हें मेरे प्रेम बस तुम्हें प्राण प्यारे। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्हें मेरे सर्वस तुम्हें प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नार, तुम्हें छोड़ कर ना किसी से कहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ना कोई उलना ना कोई अर्जी कर लो करारो, जो है तेरी मर्जी। ना कोई उलना ना कोई अर्जी कर लो करारो, जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्हीं से कहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ में मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ में मेरी सारी व्यवस्था। जो भी कहोगे तुम, जो भी कहोगे तुम वही मैं करूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। तुम अपनी समझ बताओ किसमें जो ये सब पढ़ रहे, समझाया करो थोड़ा सा, ज्ञान पढ़ के थोड़ा समझाओ तो समझे कि क्या समझा तुमने।
हम भी उससे समझ लेंगे, दूसरों के भी समझ से समझ ले लेते, ये थोड़े माही पर पक्को समझो। भगवान की प्राप्ति के लिए काम करो, संसार में माया से जो काम आ जाए बन पड़े उसे करो, जो आ जाए सामने उसका कर्तव्य करो, फिर उसके भरोसे पे उसके फल की चिंता छोड़ दो, वो करेगा। हम तो उसके लक्ष्य रख के भगवान का भजन करते हैं, लक्ष्य माया का रखते हैं, लक्ष्य भगवान हो, बीच शरीर से माया के कार्य होते रहेंगे। पहुंचना तो अपनी मंजिल पे हमको, लक्ष्य हमारा माया ना हो कि माया पाके हम बहुत, ऐसा ना हो, हम भगवान को पाने के लिए सच्ची चीज पाने के लिए कर रहे हैं, माया तो है तो इसका सदुपयोग कर लेंगे। माया का सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना। अभी तो माया खाए जा रही है, झूठ कपट सब माया में आते हैं, नहीं तो झूठ कपट का काम नहीं होगा। जब भगवान लक्ष्य होगा तो झूठ कपट दूर भागेंगे, माया लक्ष्य होगी और माया पाने के लिए भगवान, तो फिर तो झूठ कपट आपका पीछा नहीं छोड़ सकते। इनके इनके सहायता के काम ही ना हो, झूठ कपट व्यवहार में किया सवेरा शाम, एक बार भी प्रेम से लिया ना हरि का, प्रेम से नहीं लिया, मैं तो सब व्यवहार करते हुए प्रेम परमात्मा के नाम में रस आ जाए, जहां बैठे हो वहीं स्थिर हो जाओगे, नाम सुन के वहीं के वहीं स्थिर। वो क्या करते थे, राम 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 कौन थे, राम तीर्थ नहीं, अरे विवेकानंद के गुरु राम कृष्ण परमहंस, बाहर चल रहे हैं घंटे की आवाज आई, बेहोश होने भाव विभोर हो जाते, कोई आवाज आई भगवान का नाम आया, भाव आवेश में आ जाते, नाम सुन के मस्त हो जाते,